सीबीआई वाले इंजीनियर तो हैं नहीं। सुल्तानगंज पुल हादसे की जांच को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा? और ये इश्यू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इश्यू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के एसीएस ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारे जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की आईटी रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है आईआईटी रुड़की को जो है दे दिया गया। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो वहां इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है, बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज को जो है देखते रहे हैं, और ये टूटा है, और क्योंकि शक था ही जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है आईआईटी रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने। लेकिन क्या लगता है कि एकदम एकदम हो रहा है विभाग, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण विभाग द्वारा बता दिया जाए, नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम किया जाए। उठ रहा है राशि का, कि राशि जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे, उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीजें होंगी, जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था, वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। वो सारी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जो है इश्यू किया जा रहा है कि कारण बताएं, और जो जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं।